मेरे दिन की शुरुआत ठीक किसी फौजी की तरह सूरज उगने से पहले होती है। हम एथलीट भी सरहद पर बैठे किसी फौजी की तरह देश के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। नमस्कार इंद्रजीत, इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तो इंद्रजीत पटेल है और मैं 3000 मीटर और 5000 मीटर करता हूँ। 3000 का 2010 का एशियन चैम्पियन हूँ और जूनियर ओलंपियन हूँ, और 3 साल से कंटिन्यू मैं 5000 का नेशनल चैम्पियन हूँ। इंद्रजीत, ओलंपिक की बात की जाए तो इंडिया का आज तक एक भी मेडल ट्रैक एंड फील्ड में नहीं आया, राइट? तो आपको क्या लगता है, हम लोग कहाँ पीछे रह गए हैं? क्या फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं जिसकी वजह से हमें आज तक एक भी मेडल नहीं मिला है ट्रैक एंड फील्ड में? मिल्खा सर हमारे बोलते हैं कि मेरे मरने से पहले एक मेडल लाओ, एक मेडल लाओ। तो हमें उस चीज़ की फैसिलिटीज़ मिले तो हम क्यों नहीं कर सकते? अभी हमारे पास स्पाइक लेने के लिए 10 से 12 हज़ार, जूते लेने के 12 हज़ार, और डाइट के लिए 12 हज़ार, और 20 हज़ार, 25 हज़ार, ऐसे मंथली कम से कम 40 हज़ार, 35 हज़ार खर्च हो रहे हैं। तो हमारा जो जॉब कर रहे हैं जिसमें 15-20 हज़ार, 25 हज़ार मिल रहा है, उसमें से हम अपना खर्च कर रहे हैं, वो भी पैसे हमें कम पड़ जा रहे हैं। तो हम वो अपना खर्च पूरा करने के लिए मैराथन्स करते हैं जिसमें वो प्राइस मिलती है, तो हम उसको यूज़ करते हैं और हम उसको यूज़ करके यहाँ तक हम पहुँचते हैं। पूरा पैसा मैं जो भी मैराथन्स में कमाता हूँ, जो भी कहीं से मिलते हैं मुझे स्कॉलरशिप, तो मैं पूरा पैसा अपने स्पोर्ट्स में खर्च करता हूँ। यही है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ, बहुत कुछ है। अभी हमारे माध्यम से, इंडिया फॉर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे हमें? आपके ज़रिए अभी हमें लोग जानेंगे, पहचानेंगे, एक नाम मिलेगा, तो जो नाम मिलेगा उससे पहचान मिलेगी, तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे लोग जान रहे हैं हमें। इंडियन का हूँ मैं, इंडियन का टॉप रनर हूँ, तो मुझे जान रहे हैं, तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा कि मैं करूँ। अभी तक ये था कि मुझे कोई जानता नहीं था, गुमनाम की तरह मैं भागता रहता था। तो अभी ये लाइव हमें सब देखेंगे, पूरे टीवी न्यूज जो भी है यूट्यूब पे देखेंगे। तो अभी इंडियन फॉर स्पोर्ट्स हमारे लिए एक मतलब एक माध्यम है, हमें जो चीज़ खटक रही है ना वो दिलाने के लिए वो लोग, ऐसा लगता है मतलब कुछ हमें अचानक से मिल रहा है। इसलिए इंडियन फॉर स्पोर्ट्स जो माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छा है। और आपने बताया कोच, मम्मी पापा, दादा दादी ने सपोर्ट किया, लेकिन ये लोग भी एक, क्या मैं बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता कि कैसे आए हुए हैं ये लोग हेल्प कर। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। बस थैंक्स फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। और जहाँ तक है कि आप बोल रहे हैं कि कहाँ कैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ अभी तक मम्मी पापा दादा दादी कोच जसविंदर सिंह भाटिया जो द्रोणाचार्य वाड़ी यहाँ तक एशियन चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन बनाए हैं मुझे, और ओलंपिक के जूनियर ओलंपिक्स में 9th पोजीशन तक पहुँचा, एशियन चैम्पियन बना। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। मुझे मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है, मेरी सब कुछ है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ और मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। तो वो खटक अब सिर्फ मेरे ये देशवासी लोग हमें जो सपोर्ट करेंगे उनकी वजह से मैं दूर कर सकता। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं हर एक एक चीज़ का, एक एक पसीने का, सब कुछ चुका हूँ।